हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका हमारे आज के ब्लॉग में। ये ब्लॉग नहीं है भाई, ये एक ऐसी वीडियो है, मतलब कि ना चाहते हुए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। और अभी क्या तारीख है, आज 7 तारीख है। हाँ, मतलब ये शाम का टाइम है। अभी अभी क्या हुआ कि मैंने ना वो आजकल वो फाइट चली हुई है शिवानी और हिमाचली, उसकी हिमाचल वाले की, हिमाचल वाले और हिमाचल वाला की। मतलब क्या यार, मतलब क्या चल रहा है ये, मैं तो मतलब क्या बोलूँ, मैं कुछ समझ नहीं आ रहा है। बस इतना सा कहना है कि जब भी कोई ऐसी चीज़ होती है यार, मतलब कि तुम ऐसे ओपनली यूट्यूब पे आके, पहले शिवानी ने कि भाई हाँ वो ऐसा करता है वैसा करता है, अगर कुछ चीज़ें स्मूथ नहीं चल रही है, नॉर्मल नहीं चल रही है, तुम बैठ के उन बातों को यार सुलझाओ और ख़त्म करो उस चीज़ को ना। लोगों में आके तुम बोल रहे हो कि ये है वो है, वो नशेड़ी है, ठीक है, और फिर वो अरब भी आके बोलता है कि जी वो लड़की ऐसी है वैसी है, उसने ये किया उसने वो किया, तो मतलब कि क्या यार। और हिमाचल वाले को तो मैंने भाई को देखा था, उसका पहले भी एक बार किसी बंदे के साथ लड़ाई हुई थी, कूल माइंड क्या ऐसे कुछ टैग था एक चैनल, तो पता नहीं उसके उसके चैनल का नाम भी ऐसा ही है। वो एक लड़का था कहीं बाहर से, तो उसके साथ उसकी कंट्रोवर्सी चली थी कि उसने मेरे पापा को ऐसा बोला, मेरे मरे हुए फादर को ऐसा बोला, ये बोला वो बोला, बड़ी सारी चीज़ें थी उस टाइम पे भी। बट आज का जो मुद्दा है यार, वो लड़की देखो उनके घर पे आई, इतना टाइम तक रही, और उसको मतलब 1.5 साल तक उसका पता नहीं चला कि कैसा लड़का है क्या है। एकदम से किसी अननोन आदमी के पास आप आके रह रहे हो, और उसके बाद फिर मतलब ये सारी चीज़ें हो रही है। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें अगर हो रही हैं, तो ऐसे पब्लिक उस पे प्लेटफॉर्म पे आके मतलब ऐसे मत करो कि हाँ ये हो रहा है वो हो रहा है। तब तो कितने ब्रेकअप होते होंगे, कितनी गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को, अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ती होंगी, कितने तलाक होते होंगे, तो सब आके ऐसे फेसबुक पे या कहीं पर चला रहे होना कि वो मेरे पति ने ऐसा कर दिया, मेरे हस्बैंड ने या मेरी वाइफ ने ऐसा कर दिया, वो ऐसी ऐसी है क्या यार। मैंने देखा आमिर खान और उसकी वाइफ का जब वो अलग हुए थे, तो भाई उनकी इतनी सी स्टेटमेंट कहीं पे ऐसी नहीं आती कि भाई हाँ उसकी वाइफ ऐसी है या कैसी है। और साथ में वो सलमान खान की उसके ब्रदर का, और कौन थी वो मल्लिका, क्या नाम है उसका, अरोड़ा, मल्लिका अरोड़ा, विजय भाई भी है मेरे फ्रेंड है साथ में, तो वो भी अलग हुए। देखो यार, मल्लिका ने उसके साथ शादी की, क्या नाम है उसका अपना, अर्जुन, अर्जुन कपूर, उसके साथ शादी की। तो मतलब कि क्या उनकी इतनी सी बात नहीं है कि उसने अलग होने के बाद बोला हो कि मेरा हस्बैंड ये करता है वो करता है ये सारी चीज़ें, तो मतलब क्या चल रहा है यार। और मैं शिवानी की वीडियो देखी अभी अभी शाम के टाइम, वो लाइव आई थी शायद, क्या वो रो रही थी बहुत बुरे हाल से। तो मतलब इस लेवल पे आके तो वो लड़की कुछ भी कर सकती है। और हिमाचल वाले का रबी को तो मुझे लगता है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब एक मचा हुआ मजा हुआ खिलाड़ी है इन सब चीज़ों का। तो मैं क्या बोलूँ, मैंने बहुत टाइम पहले अपने भाई से बोला था कि भाई मतलब इनका रिलेशन आप मुझे बताना, कि मतलब अगर थोड़ा सा भी चल सकेगा तो ये चलेगा ही नहीं। और मुझे फिर मतलब वो बोल रहे थे कि भाई हाँ तूने ऐसे ऐसे बोला था। तो 2 मिनट की वीडियो होगी, बस यही कहना चाहता हूँ। अगर इस वीडियो को और लोग भी देख रहे हैं कि भाई अगर ऐसी चीज़ें होती हैं, तो प्लीज़ आप ऐसे मत करो ओपनली आके। और फिर फैमिली, उनकी सारी फैमिली आ गई हुई है, वो उसकी रबी की एक सिस्टर है दीक्षु, वो भी वीडियो बना रही है कि हाँ, और पूरा यूट्यूब तो उन्हीं से भरा पड़ा हुआ, सारे लोग वीडियो बना रहे हैं। अब बहुत सारे लोगों को लगा कि यार, और बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे भाई जो मतलब अलग होते भी हैं तो बहुत प्यार से अलग हो जाते हैं, कहीं पर इतनी छोटी सी स्टेटमेंट नहीं आती है उनकी। और अब इस युद्ध में तो बहुत सारे मतलब ये वैसा हो गया कि वर्ल्ड वार छिड़की हुई है ये, और सारे यूट्यूब पे वही लोग हैं कि कुछ शिवानी के उसमें फेवर में है, कुछ हिमाचल वाले रवि के फेवर में है, बट मैं किसी के फेवर में नहीं हूँ, मैं एक मतलब सच के फेवर में हूँ। जो सच है वही वो होना चाहिए, बट सच तो उनको पता है कि सच क्या है क्या झूठ है। तो मैं ही कहता हूँ कि भाई तुम पर्सनली मिलके सारी चीज़ों को ख़त्म करो, और जो वीडियो आपने डाल दी हुई अब तो डाल ही दी, तुमको आप डिलीट करके, खैर आपको व्यूज़ चाहिए तो आप इनको रहने दीजिए, कोई चक्कर नहीं, आप पैसा कमाइए जो भी है, और बस ऐसे है। और शिवानी का भी ऐसा था यार कि हाँ उसको उससे हेल्प लेनी चाहिए थी उस टाइम पे, हाँ कि अपने चैनल को ग्रो करने के लिए हफ्ता भर वहाँ पे रुके वो चली जाती, ठीक है, या ना भी जाती, बट ऐसी रिलेशन, चलो कोई नहीं, मैं कौन होता हूँ बोलने वाला ऐसे भी। बट देखो तुम, जट प्रभजोत वो जो दिल्ली का एक भाई है, मतलब बहुत बड़ा यूट्यूबर है, उसकी और उसकी जो वाइफ थी शादी हुई थी, उसके बाद वो काफ़ी टाइम से भाई अलग 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 रह रहे हैं, तो भाई उनकी इतनी छोटी सी भी बात मैंने नहीं देखी कहीं पे उन्होंने एक दूसरे को कुछ बोला हो कि ऐसा है वैसा है। जट प्रभजोत एक ट्रैवलर ब्लॉगर है, एक लाइफस्टाइल वाला ट्रैवल ब्लॉगर है, और लाइफस्टाइल की सी वीडियो डालता है, तो कहीं पे भी उसने इतनी छोटी सी भी एक बात नहीं कहीं पे कही कि अपनी वाइफ के बारे में कि भाई हाँ ये है वो है, ना तो उसकी वाइफ की मैंने कोई बात सुनी उन दोनों के बारे में। ठीक है यार, जब तुम अलग, जब शादी तुमने या प्यार मोहब्बत तुमने अपनी इच्छा से किया हुआ था, तो अब तुम अलग हो रहे हो तो वो भी प्यार से हो जाए ना, फिर क्यों मतलब ऐसे तुम लोगों में ऐसे मतलब वो कर रहे हो बवंडर, और ऐसे पूरा आपने वो कर दिया, और साथ में फिर फैमिली है सारी आ गई, कि मदर भी आ गई उस तरफ से भी उस तरफ से भी। ये तो मेरे मतलब गांव जैसे में कि किसी का घास काट लिया तो पूरे टब्बर लग जाते हैं लड़ने ना, वैसे वैसे है पूरा, मतलब क्या बोलूँ मैं। बाकी ऐसे ही भाई, एक्सट्रीमली सॉरी, ये वीडियो मैं करना नहीं चाहता था, बट फिर भी मतलब मजबूरी में, मतलब कि आज के टाइम में ये प्यार मोहब्बत ये सारी चीज़ें है ही नहीं, मतलब ऐसे टाइम पास के लिए तुम मिलो 2-4 दिन घूमो फिरो मौज मस्ती, और उसके बाद तू अपने रास्ते और अपने रास्ते पर। फिर बात आ जाती है कि एक दूसरे को मतलब ऐसे तुम नंगा करने पे आगे हुए हैं कि भाई उसने ये किया उसने वो किया, वो ऐसा है उसकी मदर ऐसी है उसकी,
हिमाचल वाला तो कहता है कि भाई शिवानी उसको उसकी मदर के साथ वो रिलेशन की बात कर रही है। सोचो तो, मतलब इतनी घटिया घटिया बातें आके वो यूट्यूब पे बोल रहे हैं एक दूसरे के बारे में, क्या है मतलब ये तो कुछ। मतलब यार ठीक है भाई जो भी है, बट मैं चाहता हूँ कि पब्लिक की, मतलब मैं चाहता हूँ कि पब्लिकली ऐसे आके प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया पे आके ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मिलो, मिलके बैठ के बात करो, उन चीज़ों को ख़त्म करो, बस इतना चाहता हूँ मैं। बाकी क्या बोले आप, बाकी हाँ ऐसे भी गालियाँ मतलब जाना निकालना है इधर, तो बस ठीक है जी जो भी है।